ठीक है, तो कल तो हमने एटम के बारे में पढ़ा था। आप सबको पता ही है एटम के अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होता है उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और लास्ट में अपन ने कुछ क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी समथिंग ऐसा पढ़ा था, याद है ना? तो उसमें क्या बताया था, ड्यूअल नेचर होता है किसका? हाँ, कौन कौन से नेचर होते हैं बताओ? हाँ, कणीय और तरंगीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये देखो, अब डी ब्रॉगली का जो स्टार्ट होने वाली है यूनिट, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो डी ब्रॉगली की ही इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आप इसकी हेडिंग एक बार डालो, नोट डाउन करो, डी ब्रॉगलीज मैटर वेव्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब डी ब्रॉगली की तरंग समीकरण, डी ब्रॉगली की तरंग समीकरण, या फिर इसको बोल सकते हैं द्वैत प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर यानी द्रव्य की द्वैत प्रकृति, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। डन, फास्ट फास्ट लिखो। फिर को न्यूटन ने बताया कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एक बार लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, दैट इज कॉल्ड, इतनी इंग्लिश चलेगी ना, दैट इज कॉल्ड कार्पस्कल्स, CARPUSCLES, कार्पस्कल्स, ये नेम दिया था न्यूटन ने। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बननी होती है। पार्टिकल मतलब क्या समझते हो आप? कण। ठीक है, तो लाइट किससे मिलकर बनी होती है? कण से मिलकर बनी होती है, जिसे कार्पस्कल्स कहते हैं। लिखो, आगे लिखो, आफ्टर दिस, तब इसके बाद कुछ इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शंस आए थे, उसके बाद हमें क्या पता चला था? इसके बाद हमें पता चला कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव होता है। देखो, कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए, प्रैक्टिकल्स करे, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शंस, है ना? उसके बाद हमें क्या पता चला? पहले तो सबको पता था कि लाइट की सिर्फ कणीय प्रकृति होती है, सब ये मानते थे। फिर कुछ और प्रयोग किए गए, उसके बाद क्या पता चला कि लाइट तरंग में भी होती है ना? तो लिखो, इसके बाद हमें पता चला कि लाइट का जो नेचर होता है, लाइट का नेचर तरंगीय भी होता है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसे करके लिख लेना, है ना? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले नाम सुना है? सुना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का? नहीं सुना? ओके, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है? पढ़ा है ना? तो उसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी अपन एक स्टडी करते हैं। इन दोनों के बाद अपन को क्या पता चला? लिखिए, लिख लिया ये, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जिसमें भी लाइट की कणीय प्रकृति देखी गई। जिसमें भी लाइट की कणीय प्रकृति को देखा गया। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखाया है, उससे अपन को क्या पता चल रहा है? एनीवन कैन एक्सप्लेन कि
अपन को लाइट की कणीय प्रकृति भी मिलती है और तरंगीय प्रकृति भी मिलती है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे पहले तो अपन को पता चला था कि लाइट कणीय प्रकृति की होती है, फिर अपन को पता चला कि उसका वेव नेचर भी होता है। तो दोनों को मिक्स करके डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। और आप न्यू वन आपको पूछ रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये फर्स्ट है ना, टॉपिक फर्स्ट है। इससे पहले हमने एटम को पढ़ा था, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करी है, तो ये अभी नया टॉपिक ही है। तो समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। डी ब्रोगली पहले भी पढ़ा होगा ना 11th 12th में। ओके, अब लिखो, लाइक दिस एवरी सब्सटेंस हैज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। मतलब इसका मतलब है इसी की तरह सारे जो भी सब्सटेंस होते हैं, हिंदी में लिख लीजिए, है ना, जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका नेचर क्या होता है, पार्टिकल होता है और कणीय प्रकृति दोनों होती है। इसी की तरह जो सारे सब्सटेंस होते हैं उसका नेचर पार्टिकल और वेव दोनों होता है। मतलब लाइट भी पार्टिकल्स में होती है और वेव फॉर्म में होती है, और बाकी जितने भी सब्सटेंस हैं मैटर ही पार्टिकल और वेव से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मेन है कि डेफिनेशन करके लिखो, डेफिनेशन परिभाषा, डी ब्रॉगली की परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इतनी इंग्लिश चलेगी क्या, बता दो आप, और यू। तो ये है, अब लिखो, डी ब्रॉगली ने कहा कि किसी भी मैटर का वेव और पार्टिकल नेचर होता है। व्हाट डी ब्रॉगली सेज, ऑल द मैटर हैव पार्टिकल एंड वेव नेचर। किसी भी मैटर का, मैटर मतलब द्रव्य का, की जो प्रकृति होती है वो कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। अर्थात आई मीन टू से, जब किसी गतिशील कण को घुमाया जाता है तो वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। जब किसी गतिशील कण को घुमाया जाता है तो वह कणीय और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इतने में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू या कुछ नहीं समझ में आया हो, लैंग्वेज पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, लिख लिया, बिहेव करता है। तो अब लिखो डी डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगली की समीकरण। देखो एक मिनट इधर देखो, ये है अपना एटम, अंदर क्या है इसके नाभिक, ये है इलेक्ट्रॉन, ये बाहर क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका जो नेचर होगा, ऑब्वियस बात है ये गतिशील है ना, गोल गोल घूम रहा है ना बाहर, तो ये गतिशील है, तो ये कण की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह यानी तरंग की तरह भी बिहेव करेगा। अब लिखो डी ब्रॉगलीज इक्वेशंस। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या है, गुड, लैम्डा के आगे लिखो तरंग दे दे रही है, एच इज इक्वल्स टू प्लांक कॉन्स्टेंट, प्लांक नियतांक,
और प्लैंक नियतांक की वैल्यू क्या होती है? यस बोलो। मीटर पर सेकंड, गुड। ठीक है, अच्छा एम इंटू वी को मैं पी लिख सकती हूँ क्या? हाँ संवेग, गुड। तो इसको ऐसे लिख देना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच अपॉन पी। तो ये थी हमारी डी ब्रॉगली की इक्वेशन। ओके, इसको आप हिंदी में लिखना नीचे, पी इज इक्वल्स टू संवेग, एम है द्रव्यमान और वी क्या है? वेलोसिटी, वेग, एम है मास। किसका मास? किसका मास देखें? हाँ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक लिख लो तो बता देना। लिख लिया यू, ठीक है। अब देखो इसकी अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे, तो लिखो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डेरिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना। गणना तो नहीं बोलते, बताओ फिजिक्स में क्या लिखते हो? डेरिवेशन लिखते हो ना, चलेगा तो लिख लो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। मैं ना सबकी नोटबुक देखूंगी, मुझे ना लिखा हुआ मिलना चाहिए, ऐसे नहीं। अब लिखो लेट अस कंसीडर अ फोटोन ऑफ लाइट। लेट अस कंसीडर अ फोटोन ऑफ लाइट, क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे? एक लाइट का फोटोन, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोन होते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ फोटोन ऑफ अ लाइट, हिंदी में क्या लिखेंगे? कि अज्यूम कर रहे हैं हम एक लाइट का फोटोन। ओके, तो फर्स्ट लिखो इफ फोटोन, यदि फोटोन की जो प्रकृति है वो पार्टिकल फॉर्म में है, यदि फोटोन की प्रकृति पार्टिकल फॉर्म में मानी जाए, लेट अस कंसीडर का मतलब भी मानी जाए है, अपन ऐसा मानते हैं। इफ फोटोन की नेचर पार्टिकल फॉर्म में मानी जाए तो इसकी एनर्जी आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा दी जाएगी, तो इसकी एनर्जी आइंस्टीन की इक्वेशन के द्वारा दी जाती है। एनीवन, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी? फास्ट तो नहीं है ना, गुड। तो ये लिख लो आइंस्टीन की इक्वेशन के द्वारा दी जाएगी, देन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एम मास ऑफ फोटोन, फोटोन का द्रव्यमान लिखो, एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ फोटोन। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। देखो आप इंग्लिश हिंदी मिक्स लिखोगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आगे जाओगे ना तो आपको हेल्पफुल रहेगा। लिख लिया, इक्वेशन वन डालो। हाँ सेकंड लिखो, यदि अब कणीय तो मान ली हमने, आइंस्टाइन ने बता दिया था कि कणीय प्रकृति की होती है, तो अपन ने एनर्जी क्या दी? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ओके, अब लिखो सेकंड, यदि फोटोन की प्रकृति तरंगीय प्रकृति मानी जाए तो इसकी एनर्जी किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? हाँ राइट, तो इसकी एनर्जी प्लैंक के अकॉर्डिंग, प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग दी जाएगी।
व्हाट इज द प्लैंक थ्योरी? गुड, E इज इक्वल्स टू एच न्यू. क्वेश्चन सेकेंड, देखो ये पहले ही पढ़ चुके हैं तो मैंने सीधा ही लिख दिया. अब मैं E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और एच न्यू को प्रूफ तो करेंगे नहीं, यहाँ बेसिक है. इसके आगे लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब बताओ क्या करूं. ई ई दिख रहा है, ई फॉर तो लिखो, इक्वल कर दूं दोनों को. करो फ्रॉम इक्वेशन वन इज इक्वल्स टू टू, क्या लिखेंगे अपन? एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. हाँ बताओ, सही बोल रहे हो. न्यू का, न्यू की वैल्यू क्या होती है? क्या होता है न्यू? इसका वैल्यू क्या होती है? हाँ, न्यू अपॉन सी. न्यू तो पहले से लिख रहे थे, लैम्डा अपॉन सी या सी अपॉन लैम्डा. न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. न्यू की वैल्यू रख दो. एक एक वर्ड लिखना है ना. ये इक्वेशन थ्री बोल दो इसको, चाहे न्यू की वैल्यू इक्वेशन थ्री में रखने पर. सॉल्व करो जल्दी जल्दी. इसके आगे क्या करेंगे? P बराबर बोलो. अच्छा, C को मैं किसके इक्वल मानूं? आप बोल रहे थे ना P क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है ना, तो C को मैं V ले सकती हूँ, वेलोसिटी तो है. ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू, यहाँ V लिखो, C इज इक्वल्स टू V. देन क्या हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम वी. एम वी को क्या लिख सकते हैं? पी. तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. इसको कर देना ब्रैकेट में बंद. ये ही है अपनी डी ब्रॉगली की इक्वेशन. इसे स्टार मार्क कर लेना. और ये पूछी जाती है, मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा तो इसका मतलब आप भी ना लिखो, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, इम्पॉर्टेंट करके नीचे लिख लो, यह है डी ब्रॉगली की इक्वेशन है. नोटबुक कैसे करना एक बार मुझे सीक्वेंस देखना आपका. मेरी तरह तो नहीं लिखा है? ठीक है, ओके. अब लिखो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मतलब किसी गतिशील कण के लिए गतिज ऊर्जा होती है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना. किसी गतिशील कण के लिए काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य में संबंध. हिंदी में लिखो, किसी गतिशील कण के लिए गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में संबंध. हिंदी में भी लिख लेना, किसी को आगे इश्यू ना हो. देखो, यदि कोई कण का मास द्रव्यमान, अच्छा पहले इतना लिख लिया क्या? ऑल यू डन. ठीक है, लिखो, यदि कोई कण का द्रव्यमान m है और उसकी वेलोसिटी v है,
तो उसकी गतिज ऊर्जा, आराम से लिख लो, तो उसकी गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू, बताओ फॉर्मूला। यस, हाफ एम वी स्क्वायर। के ई काइनेटिक एनर्जी है, लिखो नीचे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, के ई लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी से यहाँ से वी की वैल्यू निकालो। अब क्या आएगी बताना, बताओ बताओ। ये आ रही है सबकी, काइनेटिक एनर्जी को एक बार अपन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। वैसे इसको आप बुक में देखोगे तो कैपिटल ई भी लिखा मिलेगा, बट वो मैं टोटल एनर्जी को कंसीडर करती। ये आ रही है, कैसे आई, गलत हो गई। यू ऑल आर फ्रॉम मैथ्स, है ना, राइट आपकी भी यही आई है, नहीं आई क्या? ठीक है, मैंने गलत लिख दिया फिर, है ना। ठीक है, ये यही क्वेश्चन आ रही है आपकी, सॉरी फॉर दैट। ओके, इसको क्या बोलोगे, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट कौन सी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड कौन सी है, दिस। हाँ, अब लिखो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से वैल्यू डी ब्रॉगली इक्वेशन में रखने पर, रखो जल्दी जल्दी। डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या थी, दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे, वी की जगह, आंसर बताना। KEM, यहाँ से ये इसके अंदर चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 KEM, 2 KEM लिख लिया आपने। लास्ट वन, आप इधर बैठना कल से। अब लिखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जानते हो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बताओ गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवेश इनटू विभवांतर, आवेश इनटू विभवांतर, गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवेश इनटू विभवांतर। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, विभवांतर को वी, तो नीचे लिख देना क्यू इनटू वी। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, काइनेटिक एनर्जी की जगह, राइट। ये इक्वेशन आ रही है या नहीं, डन। अब नीचे सब कुछ लिख दो, ई क्या है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, किलो ग्राम, ग्राम में क्या होगा, बताओ बताओ, ग्राम, ग्राम कैसे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। राइट, तो ग्राम में खुद से लिख लेना, ठीक है।
अच्छा प्रोटॉन का क्या होता है? 6.6 या 1.6 इंटू 10^-27 किलोग्राम लिख लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी लिख लो, प्रोटॉन का ऊपर है ना, देखो जो भी कुछ एडिशनल लगे ना वो ऊपर लिख लिया करो हेडर में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 9×10^-31 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो भारी कण लेते हैं अपन, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लिखो भारी कण का द्रव्यमान यानी m वो क्या होता है? ज्यादा। मैं कुछ भी चीज़ इंक्रीज करूँगी तो भी मैं ये साइन यूज़ करूँगी, कोई भी चीज़ ज़्यादा बोल रही हूँ ना, ज़्यादा होता है तो मैं ऐसा ही साइन यूज़ करूँगी, आप जैसे कंफर्टेबल हो लिख लेना। तो भारी कणों का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। अच्छा द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। कैसे पता चला? डी ब्रॉगली की इक्वेशन से। ठीक है, लैम्डा कम होता है तो लिखो द्रव्यमान ज्यादा होता है और लैम्डा कम होता है। द्रव्यमान ज्यादा होता है और लैम्डा कम होता है तो हम इसकी तरंगीय प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम इसकी तरंगीय प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डी ब्रॉगली की इक्वेशन सूक्ष्म कणों या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लागू होती है। सूक्ष्म कणों और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लागू होती है। क्या करना है हमें? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पता है, सूक्ष्म कण पता है कौन से होते हैं? अच्छा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म है ना, आंखों से दिख रहा है? नहीं दिख रहा, वैसे तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अभी उन्होंने मास बताया था तो 10^-2 किस में गया था? -31, बहुत ही कम वैल्यू है, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, यानी उसका मास क्या है? कम है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज़्यादा। कैसे कम? कैसे ज़्यादा होगी ना। ठीक है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। अभी मैंने ये लाइन लिखाई, उसमें क्या लिखाया कि जिसका मास कर सकते हैं ना, जिसका मास ज़्यादा होता है उसके लिए हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन को उस पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसका मास कम होगा उसके लिए ऑब्वियसली बात है लैम्डा ज़्यादा होगा, लैम्डा ज़्यादा होते ही उसकी हम तरंगीय प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली, सत्यापन, डी ब्रॉगली की समीकरण का सत्यापन या सार्थकता, सॉरी सार्थकता लिखना, सिग्निफिकेंस मतलब सार्थकता होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली की समीकरण बताओ जल्दी जल्दी। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्विक, तो एम इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ, लिखो एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल। ये क्वेश्चन अलग से आपसे पूछा जा सकता है, जो आते हैं ना 3 नंबर के क्वेश्चंस, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आप डी ब्रॉगली की सार्थकता को बताइए, तो अपन को इसके लिए अलग से रेडी करना है। बाकी डी ब्रॉगली को स्टार मार्क कर लेना बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो एम इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल, वी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एंड एच इज इक्वल्स टू प्लैंक कॉन्स्टेंट। वैल्यू याद हो जानी चाहिए प्लैंक कॉन्स्टेंट की, बोलो। आगे भी बोलो, मीटर पर सेकेंड कौन?
मीटर पर सेकेंड में, जूल में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, देखो माइक्रो सूक्ष्म कणों के लिए, लिखो कि सूक्ष्म कणों के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए या सूक्ष्म कणों के लिए लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मेंशन करना है, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर निकाल के दिखाना। किसी यहाँ तक लिख लिया क्या, यू लास्ट में लिख लिया, ठीक है। और कल आप वहाँ यहाँ बैठोगे, अभी से शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अभी मैम बोले करना है तो करना है, ठीक है। लिखो एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, एक पिंड का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम, और वह 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लिखो खुद से करो, इसकी यूनिट भी निकाल के बतानी है क्या यूनिट आएगी। यूनिट से यूनिट कैंसिल करना आता है क्या, लास्ट वन इसका आंसर बताना। आंसर बता दो, यूनिट की टेंशन नहीं, आप आंसर माइनस 36, ओके। अच्छा लैम्डा की वैल्यू अपन मीटर में निकालते हैं ना, वो मीटर लिख देना, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे रिएक्शंस क्यों, आगे स्टार्ट करें। जो भी इसका आंसर आया है उसकी लैम्डा कम है या ज्यादा है, कम है, कम है, तो द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा हो गया, तो हम इसका अध्ययन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सत्यापन कर सकते हैं इसका, प्रायोगिक प्रैक्टिकली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, हाँ द्रव्यमान ज्यादा होता है तो जल्दी बोलो नहीं कर सकते हैं, तो ये लाइन लिख लो नीचे कि लैम्डा बहुत ही कम है, तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम है और द्रव्यमान बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, लैम्डा कम है तो ऑटोमेटिकली भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम इसका प्रायोगिक सत्यापन नहीं कर सकते।
अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि प्रायोगिक सत्यापन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो आप लोगों को उससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जो कण और तरंग दोनों प्रकृति होती है, तो हम सिर्फ एक को तो मतलब एक की तो स्टडी नहीं कर सकते ना, हमको दोनों को साथ में लेके चलना होगा, कणीय प्रकृति की भी और तरंगीय प्रकृति की भी। अब इसमें लैम्डा बहुत कम है, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो डी ब्रोगली इसको जो सत्यापित इसको नहीं कर पाएगा। तो नीचे एक लाइन लिखो, एक ही नेचर को डी ब्रोगली सत्यापित नहीं करता है, मतलब ओनली अगर आपको तरंग प्रकृति दे दी तो भी वैलिड नहीं रहेगा, ओनली आपको बोल दे कि कर्णीय प्रकृति देखो इसकी, तो भी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। अब देखो इसका अपन कब से बोल रहे हैं, सूक्ष्म कर्ण है ना, कब से बोल रहे हैं ना, तो सूक्ष्म कर्ण किस से अपन देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो यूज लिखो, डी ब्रोगली का जो यूज है किस में होता है, यूजेस लिख देना, उपयोगिता किस में होती है, माइक्रोस्कोप बनाने में। कुछ कुछ चीज़ें एडिफाई करोगे तो क्वेश्चन आपका आंसर है अच्छा बनेगा, ठीक है। अब लिखो बोहर, बोहर लिख लें पहले, तो बोर, बोर या बोर, बोर के आगे लिखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मतलब बोर ने क्या बताया था, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कल कुछ कौन ये संवेग करके पढ़ा था क्या, क्या था वो, कल ही बताया था, कल ही बताया है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, हाँ राइट। लिखो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ये बताया था किसने, बोर ने। अब यही हमें डी ब्रोगली भी बताएगा, ठीक है। तो नीचे नीचे लाइन में लिखो, डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसकी परिधि तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज हो, जहां उसकी परिधि तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज हो। राइट डाउन, टू पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, और फिर डैश डैश लिख देना। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन खुद कण तो है ही, है ना, कण है कि नहीं है, है ना, कण तो है, पार्टिकल तो है। अब ये गति कर रहा है ऐसे, अकॉर्डिंग टू, ये बनाना है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ऐसे ऐसे वेव फॉर्म में गति कर रहा है, ये है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस टाइप से ये गति कर रहा है। तो इसके लिए जो इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी वो है 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लेना। तो इस ये जो मैंने डायग्राम बताया ना, इसे दोनों नेचर पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद पार्टिकल तो है ही लेकिन वो वेव फॉर्म में गतिमान है, तो दोनों नेचर पता चल रहे हैं कि नहीं, हो गया। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ बोलो, हाँ एच अपॉन एम वी, लिखो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी।
देखो आप बोला करो, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है फिर मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ। इसको इक्वेशन सेकंड लिख देना। क्या होगा अब आगे? लैम्डा की वैल्यू रख दूँ इक्वेशन वन में? जल्दी आंसर निकालो। निकालो, कर लिया? हाँ बोलो। लिखो, सही बोल रहे हो, ऐसे बोला करो। एन है कोश की संख्या, 1 2 3 है ना, जो देखो हाँ कक्षाएं है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान है। बहुत सारी कक्षाएं होती है ना, अब ये इस वाली में भी हो सकता है, इस वाली में भी हो सकता है, तो 1 2 3 ठीक है। आ गया आंसर। अब MVR की वैल्यू क्या होगी? ये आया कि नहीं सॉल्व करके? आया कि नहीं? जिसका नहीं आया बता दो। डन डन, लास्ट वन डन, ठीक है। तो दोनों, अब यही बोर वाला देखो यही था क्या? ठीक है, तो दोनों ने यही बताया है, इसने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, बोर ने इसको पहले ही बता दिया था, तो दोनों ने एक तरीके से अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको प्रूव किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। अब देखो ये हम एन लिख लेना, आप सब लोग लिख लेना कोश की संख्या, 1 2 3 एन इज इक्वल्स टू कोश की संख्या, जो भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है वही होती है एन, ठीक है, 1 2 3। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसके अंदर मतलब 2-3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, डी ब्रॉगली वाला कंप्लीट हो गया है। अब कल हम पढ़ेंगे जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, पढ़ा होगा पहले, अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। तो एक बार हेडिंग डाल लो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी को पता है? एनीवन पता है? बताओ। स्थिति व समय में एक साथ। हाँ, एक समय किसी पता है हाँ, या फिर उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, वेरी गुड। तो दोनों एक साथ अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपन इसको कल पढ़ेंगे, और जो मतलब और भी टॉपिक्स हैं आपके। अच्छा सिलेबस किसने देखा था? देखा था, वीडियो देखी थी, लाइक भी कर देते, ठीक है। तो अपन ने ये सारा, अब देखो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, फिर अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, साइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। वेट।